बग्गा जी, कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं, कहा है कि बीजेपी गुंडों को बचाने का प्रयास कर रही है, और कल के बवाल पर आप क्या कहेंगे? जिस पार्टी के पास ताहिर हुसैन, अमनतुल्ला खान, निशा सिंह जैसे हीरे हो, मुझे लगता है उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। गुंडे किसके पास और किसके पास नहीं है, जिनकी पार्टी दंगे करती है, जिनकी पार्टी जिस तरीके से अभी दो दिन पहले ही कोर्ट ने ही उनके जो मनीष सिसोदिया की सेक्रेटरी थी निशा सिंह, उसको जेल में डाला, 5 साल की जेल हुई, तो मुझे लगता है उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और अगर उनको अपने गिरेबान में नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है, मुझे लगता है उनको अपने आप को अच्छे डॉक्टरों से दिखाना चाहिए। और साथ ही आरोप आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से भी लगाया गया है कि आपके साथ भी बदसलूकी हुई है, आपके पिता के साथ भी बदसलूकी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? सही आरोप है ये? देखिए, यहाँ पे दो लोग बैठे थे, उन्होंने कहा नोटिस देने आए हैं, एक ने दरवाजा खोला, उसके बाद 14-15 लोग आ गए। जब मैंने उसका विरोध किया, हमारे साथ हाथापाई की, पिताजी ने उसका वीडियो बनाने की कोशिश की, उनके से फोन छीन लिया गया, अभी भी फोन पुलिस की कस्टडी में, मेरा और पिताजी का, और ये मारपीट की गई, और वो MLC के अंदर आया है, मजिस्ट्रेट के सामने MLC दी जा चुकी है, मजिस्ट्रेट ने उस MLC को देखा है, जिसके बिना पे ये कहा है कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा प्रदान करे, जब क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो सके। पंजाब पुलिस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए कि आपने कई कार्यक्रमों में ऐसे भड़काने वाले बयान दिए हैं, कई कार्यक्रमों पर आपने हमला करवाया है, और साथ ही बांटने की कोशिश की है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि 5 बार नोटिस भेजा गया, उसका जवाब नहीं दिया आपने? तो जी, तो आप उनको कहिए कि जिस मामले की वो बात कर रहे हैं दंगा भड़काने के, जिस मामले की वो बात कर रहे हैं कि हमला करने की, उसके ऊपर FIR करें ना। FIR के अंदर दंगा का DB नहीं है, उसमें तो ये लिखा मैंने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, अरविंद केजरीवाल से खिलाफ अगर कोई ट्वीट करेगा, तो उसको धमकी माना जाएगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई ट्वीट करेगा, तो 40-50 पुलिस कर्मियों की टीम DSP SSP के साथ यहाँ पे आएगी। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई बोलेगा, तो उसको आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार किया जाएगा, जिनके आपके घर में 15-15, 20-20 लोग घुस के सिविल ड्रेस के अंदर आपको उठा के जिप्सी में जबरदस्ती डाल देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी जनता ने कल आपके TV चैनलों के ऊपर देखा किस प्रकार से कार्रवाई की गई। और अगर कोई गुंडागर्दी का वो केस करते, लेकिन उस आप जो FIR देखिए, उसमें तो सिर्फ एक ही चीज है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा कहा था, और मैंने ये कहा था कि वो उस जो नरसंहार के ऊपर माफी मांगे, नहीं तो युवा मोर्चा उनको चैन से जीने नहीं देगा, और हम तब तक तो आगे का पीछे का काट दिया, और ये बोला कि केजरीवाल को जीने नहीं देंगे, जान से मारने की धमकी है। ऐसे तो आप किसी को कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस आप पे डाल देगा। ABP News आपको रखे आगे। ABP News आपको रखे आगे।